माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हलवा बहुत ही मज़े ना, बहुत ही हेल्थी, बहुत ही टेस्टी तैयार होया। ए वाला भी चूहे का उपर है पर बहुत ही महंगा लाया ने। फर्नीचर शॉप च सेंटर हो चुके। आई एम श्योर कबाब तो सभी को पसंद है, अगर शामी कबाब हो तो क्या ही बात है। शामी कबाब बहुत ही मजे ने तैयार हो गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सारे ने? उम्मीद करिए ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला सो सबा के अपने हिफ्ज़ो अमान च रखा है। अज की वीडियो जी मैं शेयर कर सा सारे तो पहले तो मैं सो कि अपडेट दे सा जी असा लिविंग रूम की रेनोवेशन करने पे वो कम कुछ तक पहुंचा। अज भी आया हुआ बंदा लगे हुआ है तो उस तो बाद नाश्ता बना सा। नाश्ते अज बना सा बहुत ही हेल्थी जहा और बहुत ही मज़ेदार जो ना दलिया। और उस तो बाद अज माड़ा प्रोग्राम है कि मैं शामी कबाब ही बना सा। चिकन जरा मैं कड़ी छुड़िया डीप रोस्ट होने वास्ते। और सब तो पहले नाश्ते तो बाद असा जा सा टाउन सेंटर और फर्नीचर ऑर्डर कर सा। उस दिन अस पसंद करिए सा लेकिन जरा मैनेजर सन वो कौन सन उतना जरा वर्कर से वो आना से भाई मैं सो सही तरीके डील ना करी सकना। तो कल अगर अच्छो तो मैनेजर अवेलेबल हो सन तो फिर उन्होंने जी अच्छ गलबात करनी है और जो डिस्काउंट किन्ना उन्होंने करो कि नहीं क्या अच्छ फर्नीचर भी ऑर्डर कर सा। तो दो वीक या त्रै वीक लगी जा सन फर्नीचर बेचने की। तो चलो फिलहाल सो कि रूम च खड़नी है और सो दसनी कि कितना कम हो जाए। जो वो लाइट्स लाई सन वो लाना पाया और ये जो विंडो है इसी डोड़ ले गई सी। तो फिर असं टेंपरेरी जैसे पर फटा वैसे ठोकिया से तो उन्हें इसमें आया भाई प्रॉपर खूबसूरत जी डोड़ लाइके देते। इसकी पेंट किया वैसे मास्किंग टेप लाइके उस तो बाद स्कर्टिंग जी है उसकी पेंट करना पाया अज। और ये वो लाइटा जी भी लाई छुड़ियाँ वापस इन्होंने बल्ब भी फ्यूज़ हो तो वो भी रिप्लेस करी दीते। इसमें तक सकन वो लाइट्स फिट करना पाया उस तो बाद डोर जहाँ की मास्किंग टेप लाई है और उन्हें की पेंट कर सी। तो चलो फिर चुल्ले किचन और सारे तो पहले नाश्ता बनाने और फिर फर्नीचर नहीं जी आज पेमेंट क्लियर करा फर्नीचर ऑर्डर करा और उस तो बाद जरा वह शामी कबाब बनाने शामी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टार्ट करने हैं जी जो ना दलिया बनाना। एक छोटा कप बना सा जो ने दाने बाई के कढ़ाई ते मीडियम टू लो गैस पर ड्राई रोस्ट करी सा। हल्का जहा गोल्डन ब्राउन जिला कलर आए जा सीने ना और एक खूबसूरत जी खुशबू भी दे सन उस वक्त समझा के जेडे जो ने दाने वो रोस्ट हो गए। ऐ तक है किसी तिरकने पे और इतनी मजे नहीं हल्की हल्की खुशबू अचना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि भुजना स्टार्ट हो गए थोड़ी देर और भुनसा ने। ये देखें जी हल्का जहा गोल्डन ब्राउन कलर आई गया और खुशबू भी बहुत ही मज़े निशनी पी है। हूँ इसकी गैस बंद करके रख सा 5 मिनट जब नीम हो सी ना तो फिर इस ग्रैंड करके सा जो ने दाने और नीम गर्म हो गए जगह बह के अच्छी तरीके ना ब्लेंड करके सा पाउडर बनाई कि सा। और मेक श्योर करना कि जी मशीने तुसा कि पाउडर बना लगे हो कोई मसाला शसाला ना उसने पीठिया हुआ नहीं तो मसाले ने स्मेल से पता अगर चली गई तो फिर सारा मामला खराब हो जाए। इसे ही पावरफुल ब्लेंडर है ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म ने इसकी बारीक करी छोड़ सी। जो ने दानिया की पाउडर बनाई क्या कढ़ाई रखी है गैस है पर इसने विच बस अद्धी टिकी बटर नहीं और अंदाजा करी कि अगर और बटर चाहिए हो तो और बाई कि देसी घ्यो बहुत है और भी ज्यादा मजे ने बनना। और अगर देसी घ्यो इस बना लिया तो फिर एक चुटकी नमक भी बाई कि माड़ा बटर जो सॉल्टड है तो हल्का हल्का नमकीन हो सी और हल्का हल्का मीठा हो सी हलवा तो बहुत ही मजे ने बन सी इंशाल्लाह। हूँ बनिया इसने विच आटा जरा बनाया सी बिस्मिल्लाह। ये ऑलरेडी तुम की पता ना कि मैं कित भुने वै तो फिर 2-4 मिनट लग सन तैयार हो जासी इंशाल्लाह। इतनी मजे ने खुशबू छनी पी तो तुम पता जो ने दलिए नहीं कि खुशबू होनी है जो ने दाने जल्द भुलना हो तो किस तरह खुशबू निकलनी है उस तरह की खुशबू है। तो आटा बिल्कुल सही बारीक सी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 1 मिनट बस बुनाई कर सा फिर दुध पाने इसने विच। बटर बिल्कुल ठीक है इसने विच छोटे कप वास्ते अद्धी टिकी बटर नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं सोचनी सा अगर कट हो तो फिर और बाइक इंसान अंदाजा हो जाना हो तक तो ए थोड़ा थोड़ा बटर छोड़ना पे वे। और कलर मैं तुम्हें चेक करानी है वाह इतने दिहाड़ी नहीं रात बनती हुई है तो किरे पासे जा तो की करिए। ये देखे जल्द दुध पास आना फिर इस तरह कलर सो तके फिर तकने वाला उसी। और मिठे वास्ते अगर चीनी पाना चाहो चीनी पाई सकने हो गुड़ पाना चाहो गुड़ पाई सकने हो और अगर ब्राउन शुगर पाना चाहो ब्राउन शुगर। आज मैं गुड़ आले बना सा क्योंकि आज माड़ा बहुत ही हेल्थी बनने ना दिल करना पे। गुड़ ने 2 टिक्कियां पाई छोटिया छोटिया और नाल ही दुध पाई छोड़ा बिस। दुध पाया तकरीबन 1 लीटर
चंगी तरह पकन दे सांस। और बादाम में पीठे में बांध लिया तो बच्चे स्कूलों सन वो भी खा सन, तो अगर साबत बाए तो फिर बच्चे रौला बासन। तो अगर तुम दर दरजे पीठे में या और भी मेवे बाना चाहते हो तो बाई सकने हो। तो मिगी सिर्फ बादाम ही पसंद न। इसने तुम काजू दर दरजे कुट्टी के बाई सकने हो, पिस्ता बाई सकने हो, बादाम बाई सकने हो, अगर किशमिश पाना चाहो तो भी पाई सकने, थोड़ी मर्जी है। बस इसकी हूँ पकासा और फिर तुसा की दसा फाइनल लुक क्या है हमारे जो कि दलिए की। माशाल्लाह से इन्हें सर्दियों बनाओ, खाओ, सेहत बनाओ तो नाल मिगी भी दवा दियो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो ना दलिया तैयार हो गया, इसी चमचा लानी लानी असा घना करना हो, अगर छोड़ दिता तो खिटियां बनी सकना हो। और ये दुध बहुत ज़्यादा छिकना, जितना लीटर एक मैं दुध पाया सी ना, उस तो बाद एक गिलास तकरीबन और पिया हुआ। मिगी थोड़ा या इस तरह ना पसंद है, बहुत खिट्टे बनते हुए तो बुढ़ा डाडा डा नहीं पसंद। इस वास्ते मैं गिलास एक और उसने भी दुध पाया सी। अंदाजे नाल तुसा करी सकनी हो कुड़ियों, मिगी पता हुआ सारा तुसा कलैवर हो, तकी सुनी के सब कुछ बनता अंदाजा करी कि ना वह कि इतना दूध काटो सी इतना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हलवा बहुत ही मज़े ना, बहुत ही हेल्थी, बहुत ही टेस्टी तैयार होया। टेस्टी और हेल्थी टुगेदर वन तो फिर तो क्या ही बात है। हूँ असा नाश्ता कर सा इसने नाल, बच्चे तो सुबह सुबह सीरियल खाई के ले गए सन, तो जो वापस से सर ना तो इंशाल्लाह वो ही खा सन। जिस दिन बनते होना ना जो उन्हें दलिया, उस तरह बच्चे बहुत खुश होने और बहुत खुशी नाल खाने। ते चलो जी असा करने हूँ अपना नाश्ता। ऐ तक जी अस अपने रास्ते पर जा रहे हैं और बारिश भी आनी है कि अज ले सा, तो असा भी आए असा अच्छा अपने काम जड़े ना अजे निपटा सा। तो बारिश जो है वो तो आपको पता है यूके में सर्दियों च खलनी है ही नहीं, बिल्कुल ना भी नहीं किन्नी खलन, और ना ही असा कि सूरज लभना वै। मिगी क्या पता सी सूरज थोड़ा जहा ही नहीं शहर पाकिस्तानों बक्से बही आना, इतना सूरज सी उतना, इतना सूरज सी, इतना सोहना सी नाले। ऐतको दिहाड़ी लाइटा बाली के गड्डियां चलनियां पिया। अच्छा जी मॉल ने अंदर एंटर होया है, नसने भज रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज है। पहले असं गड्डी बह के वेट करते रहे, मता खली जा मता खली जा, फिर कौन नहीं खलती। असा इतने तो सारी दिहाड़ बहना पे सी, फिर थोड़ी जी मठी हुई असा लाई दौड़, सह तक चढ़िया मिगी कितना। फर्नीचर शॉप च सेंटर हो चुके हूँ, तकने हैं जिसल मैनेजर साहब फ्री होने तो फिर गलबात करने। इस टाइम अस फर्नीचर नहीं पेमेंट करी क्या था आई गया, तो एक बर्तन वाली शॉप है जी इतने में है, हूँ फिर थोड़ा थोड़े बर्तन जो अगर काटन मेरे घर तो और चाहिए बर्तन इतने ना के रखने नहीं जगह को नहीं, कसम से मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हाँ बर्तना नहीं, और इतने गट्ठे किते तो इतने हूँ गुजरनी सा भी, तो इतने तको ये बर्तन है ये इधर जार्स हैं सारी लगी हुई। और अगर सुखी देख चाहिए नहीं है तो इतों मिली, जैसे मॉल जी शॉप है ना जैसे नहीं इंटर होने लाइब्रेरी साइड परों फर्स्ट शॉप है जी, नाम ही कोई पता नहीं इस ना कहे 110 ना वे एक देगड़ी बहुत बड़ी देगड़ी है, और एक साइज 36 तो एक 120 नहीं एक 140 नहीं सब तो वड्डी है जी, ये चार ना सैट लगे वे। तो ये तो आम गैसा पर नहीं पकनी वैसे, ये बात है। और ये देखे ये कितना खूबसूरत है, ये ना इसने बफे सिस्टम वास्ते 69.99 ईच, गोल्डन च भी आने तो ब्लैक च भी आने, तो जितने मर्जी चाहिए हो तो लभी जसने। ये देखे ये भी बफे है 89.99। इधर डिस्पोजेबल बर्तन लगे हुए ने, तो मैं आख्या मैं बर्तन शौकीन हाँ तो तुसा भी थोड़े जो बर्तन शक्ल ही दसा, तो नाल थोड़ा जहा घसाई कि ना कि बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है, तो या तो इतना अम्ब्रेला घिना पे सी गड्डी तोड़ी पहुँचने वास्ते, तो या फिर थोड़ी देर वेट करने अम्ब्रेले ऑलरेडी कार बहुत ज्यादा तो आंदा कौन। तो ये देखो निक्की निक्की लंगड़ियाँ, हाए हाए कैडी सोहनी है। और कॉपर ना बर्तन से पता जबरदस्त होना है, विच स्टील है तो बाहरों कॉपर है, बिचों भी कॉपर हो तो गल बननी है, उसने विच पानी पाई के रखी छोड़ो तो पियो तो बहुत ही जबरदस्त है तुम्हारी सेहत वास्ते। ऐ वाला बिचों भी कॉपर है पर बहुत ही महंगा लाया ने, £25 ना एक गिलास पानी पीना इसी 24.99 लाया वे, वो भी रिड्यूस प्राइस पर।
लेकिन रियली रियली गुड है सोनी बॉडी चेकअप करनी बहुत ज्यादा जरूरत होनी है। बारिश जी है वो पहला नाली स्ट्रॉन्ग लगी गई है तो और असं अम्ब्रेला किन्ना पे गया वा हालांकि घर ओए ओए बहुत बारिश है पानी खलते है अंदर रखना और फोन सीना पिया ऐ है इस वेले सिचुएशन ते टैग भी नाल ही लटकन लगे मसे मसे जले अम्ब्रेला किनो तो फिर ये लात होना आय हाय मारी टिंड जड़ी है ना वो बचनी चाहिए नहीं अच्छा वो बहुत जरूरी है पर टिंडा नहीं खैर होनी है सुखी जानी है फटाफट तो बाल सुकना नहीं मसला होना है मसला हो जाता है गाड़ी नहीं पेमेंट होने लगी है तो आई एम श्योर कबाब तो सभी को पसंद हैं अगर शामी कबाब हों तो क्या ही बात है। आज हम बनाएंगे जी शामी कबाब की बहुत ही आसान बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। प्रेशर कुकर रखी गिंदा इसने विच बया हुआ तकरीबन 1.5 किलो है हमारे को चिकन लेग बोनलेस एक लार्ज साइज ना प्याज एक थूमे ना बूटा और 4 इंच ना अदरक ना टुकड़ा इन्हें की कट्टी छिली किंदा वै तकरीबन 4 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून हल्दी 1 टीस्पून बसार 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून क्रश चिली और साथ में 2 गिलास पानी और चने की दाल धोई के सेरी के रखी उसी मिक्स करेंगे और नमक डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून सो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर ही सकने हो। प्रेशर कुकर लॉक करी छोड़ो और इसी प्रेशर दे के साथ तकरीबन 40 मिनट थोड़ी देर हो गई है मैं प्रेशर कुकर बंद किया सी गैस तो हूँ खोल लेने काबिल हो गया इसकी ओपन करने हैं और तकने हैं वाह परफेक्ट जी बिल्कुल ज़बरदस्त हर चीज़ मिक्स एंड मीन हो गई है और अगर एक्स्ट्रा पानी है वह तो उसकी सकाई की तो इसना पानी बिल्कुल भी खत्म हो गया बिल्कुल सुकी गया हूँ इसकी ब्लेंड कर सा चंगे तरीके ना। एक अदद अंडा पाना सी ब्लेंड करने तो स्टार्ट करने तो पहले पर कोई मसला नहीं होनी भाई किन सा एक अदद अंडा जाएगा इसमें बिस्मिल्लाह ये देखिए जी ये कुछ इस तरह से ये ब्लेंड होने के बाद मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसमें मज़ीद डालेंगे इंग्रेडिएंट्स एक मीडियम साइज़ना प्याज हैंडफुल हरा धनिया और 5-6 हरिया मिर्चा इन्हें क्या कट्टी क्या रखा हुआ ये सारियाँ चॉपर मशीन बह के चॉप कर लगी हैं और फिर बस इस मसाले विच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बने जो मिक्सचर चॉप किया प्याज हरा धनिया और हरिया मिर्चा ये बह के चंगी तरह इसने अंदर मिक्स कर सा चंगी तरह यकजान कर सा नमक थोड़ा जहा और भाई छोड़ सा तकरीबन पूरा पूरा सी इस मिक्सचर ने विच मैं चेक किया वै चेक करी सकने इस टाइम पर सुखा धनिया मसे मसे ताज़ा ताज़ा पीठा में बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है चंगी तरह इसने अंदर गुनसा बैटर हमारा तैयार हो गया है शामी कबाब का। शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाना शुरू करने हैं ऑयल लाइक ना थोड़ा जहा था पर ताकि चमोटन ना माड़े थो ना ये मकसद है ऑयल ना और कोई मकसद नहीं। अच्छा जी इस तरह बोल बनाई गया एक लिड इंडिया प्लास्टिक नहीं जी किसी भी जार ने ऊपर लगी हुई होनी है कोई भी जार की लिड ले लेंगे जो किचन में मौजूद है इसने भी रखा बोल ऊपर बंद किया क्लिम फिल्म ने नाल अद्धी क्लिम फिल्म थले रखी है अद्धी ऊपर फोल्ड करके प्रेस किया और इसने की शेप दे दी है ठीक है कितनी परफेक्ट शेप आ गई है हूँ इसने की रखसा बेकिंग पेपर रखी क्या एयर फ्रायर ने बना सा अज अपने शामी कबाब जितने मोटे जितने पतले की पसंद है तुम्हें पता है सारा बैटर तो कुक होया वै अगर मोटे भी होवन तो तभी अंदरों सॉफ्ट एंड बाहरों क्रिस्पी एंड टेस्टी मैं चीज़ वाले शामी कबाब बना सा क्योंकि बच्चों की पसंद है चीज़ इसने पर बस चीज़ और एयर फ्राई रखी छोड़ सा ये देखें जी शामी कबाब की ट्रे एक तैयार हो गई है एयर फ्राई रखनी है और फिर सी फाइनल रिजल्ट दसनी है। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला शामी कबाब बहुत ही मज़े ने तैयार हो गए हूँ इसने की इंजॉय कर सा
हरे धनिए और पुदीने की चटनी ने नाल कसम से खाओ वेट टू ट्राई लुक एट दिस चीज माशाल्लाह वेरी नाइस एंड गोल्डन कलर आया ने गरम गरम मैं लेता मैं बहुत आवली हूँ माशाल्लाह वेरी वेरी टेस्टी अच्छा जी ये सी आज नहीं माड़ी दिन बार नहीं मुसरफियात उम्मीद करनी है कि आज नहीं वीडियो पसंद आई हो सी अगर पसंद आई तो लाइक करे शेयर करे और कमेंट करके जरूर दसे कि तुसे आज नहीं वीडियो पसंद आई है या नहीं आई ना आई तो भी दसी छोड़े कोई मसला नहीं तो मिलसा तो सनल किसी नेक्स्ट वीडियो इस वक्त तक जाते चाहिए अल्लाह हाफिज़।